एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? और आज बहुत टाइम के बाद मैंने अपनी वीडियो कंटिन्यू की है। और अब भी सागर, तू कहाँ जा रहा है? मतलब कहाँ, वो कहाँ पे पड़े? सागर जा रहा है राजस्थान बागड़। वो जन्माष्टमी पिछली साल भी वहीं था ना? ये पिछली साल भी ये वहीं पे ही था, वहीं पे ही इसने जन्माष्टमी मनाई थी। और ये इस बार भी वहीं पे ही जा रहा है, क्योंकि इसके सारे दोस्त जा रहे हैं और ये उन्हीं के साथ जाता है। आज मेरा फोन सुबह से सागर के पास है, मुझे अब मिला है ये फोन, है ना? देखो क्या बनवाया मेरे पे भी ऐसा दिखान। सागर ने अपने लिए ये वाला छल्ला बनवाया है। मेरे भी अच्छा लगेगा वैसे ही पहन के। छीन लियो चुर। मेरे लिए ने बनवा सकता जो अपने लिए बनवाया है? तो गिफ्ट तो ना दिया, मतलब गिफ्ट तो ना है, कभी किसी ने गिफ्ट दिया हो? हेलो भाई। क्योंकि तो फर्क हो, मैं बैठूं तो सागर आप पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। ये रहा, तो मैं ये लेके आया है, मम्मी को दिखा रहा है कि मम्मी देखो मैं नई ना रिंग लेके आया हूँ चांदी की। हाँ, तो ये लेके आया, तो मैं बोल रही अपने लिए लेके आया, तो मुझे भी कुछ ना कुछ लेके आया कर। हाँ, तेरे लिए दुआएं लेके आया हूँ। चल ठीक है। अरे जा रहा है ये ना, कहाँ जा रहा हूँ? 4 दिन के लिए। ये जन्माष्टमी के बाद आएगा जो जन्माष्टमी का व्रत है उससे अगले दिन। हाँ, हमारे यहाँ पे तो हम कितने तारीख का? हमारे यहाँ पे 23 का। 23 का कोई 23 का बता रहा है? अरे जो सरकारी है, मतलब जिसमें सरकारी स्कूल विस्कूल गवर्नमेंट, उसमें सब में 24 का है। वैसे जो तिथि विथि पड़ रही है, जो कुछ भी पंडित बोल रहे हैं, वो 23 का है। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे कौन सी जन्माष्टमी मनाई जाती है। 23 का बन रहा है। तो पता है क्या होता है, हमेशा दो जन्माष्टमी बनाई जाती है, एक हमेशा ऐसी होता है हर साल ही, कि आज यहाँ है कल को उस तरफ है। मतलब पता नहीं, दो दो बना रहे हैं सब लोग। हम जिस सब जब सब बोलेंगे हम तो तब भी बना लेंगे। बैग पैक हो गया तुम्हारा? आधा हुआ। कब, कितनी देर में निकलोगे? बस मैं नहा लेता हूँ। और डिलीवरी बॉय का भी अभी फोन आया है। सागर ने जो रक्षाबंधन के लिए मेरे लिए जो ड्रेस ऑर्डर की थी वो आ गई है रक्षाबंधन के 4 दिन बाद। कुछ टैक्स लगना चाहिए उस पे। सागर टैक्स तो अब वो जाने से पहले तो ओहो टैक्स ये है, मैंने रक्षाबंधन के नाम पे तुझे दे दिया था। ओके ओके, 500 रुपए तुम दोनों। ये तो मुझे देनी भी नहीं चाहिए, कैंसिल कर देनी चाहिए। नहीं, वो मोदी नगर आ गया है, ये जाने से पहले मेरा वो लेके आएगा, ड्रेस लेके आएगा, क्योंकि पापा तो सो रहे हैं। तुम ले आओगे? हाँ, बस जा रहा है ये 5 मिनट में, रेडी हो जाना। मेरा जो है, मेरा गिफ्ट आ गया है जो सागर ने मुझे रक्षाबंधन के लिए दिया था, वो अभी लेके आया है। और अब वो गया हो रहा है रेडी, क्योंकि उसे भी लेट हो रहा था जाने के लिए। और ये मैंने फर्स्ट टाइम मिंत्रा से कुछ मंगवाया है। मैंने अब से पहले मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग नहीं की है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नई नई साइट से शॉपिंग करूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से ही करती हूँ। लेकिन ये ड्रेस जो है सागर को भी बहुत अच्छी लगी थी और मुझे तो अच्छी लगी ही थी। जब कभी मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी कैसी लग रही है पहनकर, और मुझे मेरा गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। सागर जो है वो तो चला गया है, और अब हो रहा है शाम के 7-7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मैंने आप लोगों को बाहर दिखाया ना,
बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, मतलब हल्की हल्की सी पहले बूंदा आ रही थी लेकिन फिर अब तेज़ हो गई है। तो ऐसे मौसम में ना रोटियां खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैं बना रही हूँ नमकीन जवे, मुझे बहुत पसंद है नमकीन जवे, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही पसंद, वो मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो हम हाथ से तोड़ लिया करते थे लेकिन अब तो जो मार्केट से आते हैं उन्हें ही बनाते हैं। तो मैंने जो है इस कढ़ाई में जो है मैं इसे कर रही हूँ, इस कढ़ाई में अगर मैं जवे बनाती ना तो क्या होता है वो फूलते इससे बाहर आ जाते, तो इसलिए मुझे बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। और बड़ी कढ़ाई जो है एक है, लेकिन वो मम्मी जब भी घी भी बना करती हैं तो उसे चूल्हे पर रख देती हैं, तो इसी वजह से वो काली हो गई। तो मैंने वही वाली कढ़ाई दूसरी गैस पर चढ़ाई हुई है, तो उस कढ़ाई को कोई भी गंदी मत बोलना, वो गंदी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसी वजह से आप लोगों को ऐसी लगेगी। तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो इधर तो मेरे जवे हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मैं अपने जवों को छोपने की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि सब चीज़ें तो मैंने काट दी थी और मम्मी पापा देख रहे हैं टीवी। सागर भी 4:30 बजे के आसपास चला गया था और वो अब 4-5 दिन के बाद आएगा। घर बहुत ज़्यादा सूना सूना हो जाता है उसके बिना, मतलब बहुत शांति हो जाती है, सब लोग जल्दी भी सो जाते हैं क्योंकि जब रहता है ना वो 9 बजे तो जिम से ही आता है, तो इसी वजह से। और ये मसाल दानी ना इतने दिन से आई हुई है, आप लोगों ने भी देखा होगा जब मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी तब लेके आई थी, पर आज तक इसमें मैंने मसाले नहीं भरे हैं। तो आज मैंने इसमें मसाले भरे हैं और जितने भी मसाले मेरे हाथ आए मैंने सारे इसमें भर दिए, और अभी तक मैंने मम्मी को बताया भी नहीं है कि मैंने मसालेदानी में मसाले भर दिए हैं। और इसमें जो है गरम मसाला भी डालने की सोच रही हूँ, क्योंकि 2 गरम मसाला, अजवाइन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आ जाएंगी और आसानी से मिल भी जाएंगी। तो मेरे जवे जो हैं हल्के हल्के से भुन गए हैं, जो मीठे जवे बनाते हैं सेवैयाँ उससे भूनने से पहले घी डालते हैं, लेकिन जो ये नमकीन जवे होते हैं इन्हें आप सीधा कढ़ाई में डाल दीजिए, ये ऐसे ही भुन जाते हैं। बहुत प्यारा कलर आ रहा है ना, हल्के हल्के से गुलाबी हो गए हैं ये। और दूसरी तरफ जो है मेरी प्याज भी हो गई हैं, मैंने प्याज काटी हुई थी, दो तीन प्याज काटी हुई थी। तो उसके बाद जो है टमाटर डाले हैं मैंने, टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि ना मैंने बीच में को बिल्कुल स्पाइसी खाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी मना किया था, मेरे पेट में इन्फेक्शन था, तो इसीलिए अब मैं हल्की सी मिर्च डालूंगी आज इसमें, बहुत मन कर रहा है क्योंकि जब मन ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना तो कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो इसमें हल्दी डालूंगी, मिर्च डालूंगी, धनिया जो होता है ना मैं अपनी सब्जी में थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ, ये हाथ से कुटा हुआ धनिया है तो आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा लग रहा होगा, क्योंकि धनिया मुझे ऐसा लगता है कि धनिया डाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालने से ना थोड़ा स्वाद ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि मुझे जवे भी इसमें डालने हैं, तो थोड़ा लिक्विड ही करना पड़ेगा पहले, मतलब पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब इसमें अब ये बॉईल हो गया है अच्छे से, इसमें अपने जवे डाल के मैं इसे ढक के रख दूँगी, बहुत जल्दी बन जाते हैं, जैसे मैगी नहीं बन जाती ऐसे ही ये होते हैं, बस आदमी जो है मैगी को थोड़ा ज़्यादा जल्दी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी बिल्कुल मैगी की तरह ही बहुत जल्दी बन जाते हैं, 5-10 मिनट में ये बन जाते हैं, 5 मिनट नहीं लगते। और ये जो है मैं इसे ढक के रख दूँगी क्योंकि ये बनने वाले हैं, 2 मिनट में ये बन जाएंगे, उसके बाद मैं इन्हें उघाड़ूंगी और अच्छे से चला लूंगी, फिर सबको सर्व करूंगी। ये बन गए हैं मेरे जवे, काफ़ी यमी लग रहे हैं देखने में, आप लोग भी खा लीजिए। और मम्मी पापा को जो है मैं देख के आ गई हूँ और मैं खुद खा के देखूँगी कि मैंने कैसे बनाए हैं क्योंकि रहता ही है जब खुद बनाते हैं। और यहाँ पे हम तीनों बैठे हुए हैं, हम तीनों एक साथ खाना खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, ऐसा हो जाता है कि कोई कहीं बैठ के खा रहा है कोई कहीं बैठ के खा रहा है। तो आज बहुत टाइम बाद एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और मूवी चल रही है, पता नहीं कौन सी मूवी है लेकिन लड़ाई वड़ाई वाली मूवी चल रही है, अक्षय कुमार की थी, मम्मी पापा को बहुत पसंद है मूवी, मतलब बहुत बोलते हैं ना वो दोनों, रोज़ शाम के टाइम एक मूवी देखते हैं साथ में बैठ के, लेकिन
मुझे मूवी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं देखती, लेकिन आज वाली थोड़ी ठीक ठाक सी लग रही थी तो मैं भी बैठी थी। हमेशा ऐसा हो जाता है कि सागर होता है तो मैं और सागर रूम में ही रहते हैं, लेकिन आज सब लोगों के साथ बैठ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन, और अब जो है रात के 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, मैं आके बैठ गई हूँ। आज बिल्कुल शांति लग रही होगी आप लोगों को क्योंकि सागर तो यहाँ पे है नहीं। एक मिनट, मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है। हाँ, सागर तो यहाँ पे है नहीं और क्या भूल गई, हाँ बहुत सारे लोगों को मेरे रक्षाबंधन वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि दी आपने ये कहाँ से खरीदी है। अब मैंने TriplePanda.com से खरीदी है। आप अगर देखोगे कहाँ क्रोम ब्राउजर में जाके लिख लेना TriplePanda.com, वहाँ ना आपको पूरा खुल के आ जाएगा वो अच्छे से, तो वहाँ से आप अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगेगी तो मैं वहाँ से लिंक ले लेती, अब मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। मैं बता देती हूँ, TriplePanda.com से मैंने ये ली थी और इसका प्राइस था 1300 रुपये, और ये मैंने अभी नहीं ली थी, ये मैं मामा के नहीं गई थी उस दिन इसका ये आई हुई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाए तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि उसी दिन ही पहनूंगी और इसीलिए जो है मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, तो वरना मैं लिंक ले लेती, इसका बहुत टाइम हो गया ना तो इसी वजह से। और ये 1300 रुपये की आई थी, आपको मिल जाएगी बहुत आराम से मिल जाएगी। और सागर ने भी मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया है, मेरा सूट आ गया है, इसे भी जब मैं कभी पहनूंगी तब आप लोग देख लेना। और बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो, अब मैं रेगुलर वीडियो बनाया करूंगी, सच में आई एम रियली सॉरी। मुझे रोज कमेंट आते हैं कि दी आपने प्रॉमिस किया था वीडियो नहीं आई, दीदी आपने बहुत टाइम से बोल रहे हो वीडियो रेगुलर आएंगी, लेकिन मेरी ही वजह से रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। और मैं केस बताती हूँ आपको, केस ही हुआ वो, ये जो मेरा नोज पिन है ना, ये देखो, ये ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे कान के हैं, मैं पहनती नहीं हूँ तो ये कभी रुनते ही नहीं है। मैंने कहा ये नोज नाक भी मेरी नहीं रुंधेगी, मैंने ऐसी रखी, मैंने कुछ पहना हुआ नहीं था। तो मैंने क्या करा, कल मैं परसों वैसे ही से ना पिन सा ले रखा था मैंने, मुझे पता है पिन सेफ्टी अच्छी नहीं होती, सेप्टिक होने का इन सब चीज़ों का डर रहता है, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या था, मैं उसे ऐसे करने लगी तो मैंने देखा वो मेरे नोज में जा ही नहीं रहा है। भाई इतना देर हो गई वो नहीं गया, भाई दुखने और लगी, फिर मुझे तो बुखार उखार तबियत वैसे ही खराब हो रही थी। फिर मैंने एक वो नहीं होती सीख ली, उससे मैंने ना ये एक सीख से ही मैंने अपने नाक में घुसा दिया, वो बिल्कुल रुंध गई थी अंदर से, वो 2 दिन इसने मेरे बुखार रखा, एकदम पक सी गई थी ये नोज पिन, निकालना भी भारी पड़ गया मुझे। अब देखो दूर से देखने में ऐसा लगता है मैंने पहन रखी हो बारीक सी तो ऐसा ही है। और मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, डाबर का गुलाब जल लगाऊंगी या कुछ भी हल्का फुल्का गुलाब जल ही लगाऊंगी। पहले मैं सर्दियों में मैं एलोवेरा जेल लगा लेती थी लेकिन अब नहीं लगाती। तो यही है आज का मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग आने वाले हैं, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के यहाँ पे जन्माष्टमी 23 तारीख की है या 24 तारीख की है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।